दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर होने के कारण आपको प्राइवेट से रिलेटेड जॉब अच्छे अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। मैं टाइम के कारण नहीं दे पा रहा हूँ, बट आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है भाई कि आप लोग बढ़ाओगे तो अच्छे से हम आपको हमेशा अपडेट देते रहेंगे। चलिए, आप लोग बिना देर किए हुए उस नोटिफिकेशन को दिखाते हैं कि जो आई हुई है गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब्स है। तो आप लोग जो भी है, आप लोग देखेंगे पूरे लास्ट तक, आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी बता देंगे कैसे अप्लाई करना है और सारे चीज़। आप लोगों को कोई भी दिक्कत आता है तो आप लोग डिसीजन बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम भी समझ सकें कि कहाँ दिक्कत हो रही है, कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। मेरे एक दोस्त थे जिसमें कहा था कि मैंने दिल्ली में तो किया था, बट उन्होंने पैसा मांगा था तो नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है कि पैसे नहीं देना है कहीं पर। तो चलिए, हम लोग बिना देर किए हुए उस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आया हुआ है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में आई हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज है। ठीक है, ये आपका रेफरेंस नंबर दी गई है, नोटिफिकेशन नंबर। इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट द NRL फॉर 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए है, जिसमें है फर्स्ट में जो दिया गया डिसीजन में डिसिप्लिन में, उसमें डिप्लोमा के लिए है सिविल इंजीनियर के लिए, जिसके लिए 10 पोस्ट है। तो ये नुमालीगढ़ गुवाहाटी में के लिए है, जिसके लिए आपको रिजर्वेशन एज पर द कंट्री गवर्नमेंट के हिसाब से दी गई है। उसके बाद आपके लिए इसके क्वालिफिकेशन जो है, मिनिमम सेकंड क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर होना चाहिए। फॉर SC ST के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद सेकेंड में जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर में 8 पोस्ट है नुमालीगढ़ के लिए। इसमें भी जो है मिनिमम सेकेंड क्लास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर में, और SC ST के लिए भी सेम है। उसके बाद डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 7 पोस्ट है नुमालीगढ़ के लिए है ये भी, और सेकेंड क्लास इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है, सेम है क्वालिफिकेशन। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसके लिए भी 7 पोस्ट है नुमालीगढ़ के लिए ही है, और इसके लिए सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो एज पर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में जो है 6 पोस्ट निकली हुई नुमालीगढ़ के लिए है, तो इसमें भी सेम ही है क्वालिफिकेशन, बट एज पर द गिवन केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेज। ओके, लॉ ग्रेजुएट के लिए जो है नुमालीगढ़ में 3 पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए इसमें आपको डिग्री होना चाहिए इन लॉ में, विथ मिनिमम 40% मार्क्स होनी चाहिए एग्रीगेट। फूड एंड बेवरेज सर्विसेज 6 पोस्ट है, जिसके लिए नुमालीगढ़ में आई हुई है पोस्ट और गुवाहाटी में भी। तो डिग्री और डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, फूड एंड बेवरेज विथ मिनिमम 40% मार्क इन एग्रीगेट। तो इसके लिए जो इस पोस्ट के लिए जो है आपका डिग्री या तो डिप्लोमा दोनों में से किसी में भी है, बट इन होटल मैनेजमेंट या तो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में या फूड एंड बेवरेज में आप लोग किए हुए हैं डिप्लोमा या डिग्री, तो आप लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद बैक ऑफिस अप्रेंटिसशिप के लिए 13 पोस्ट लिए गए हैं, जिसमें नुमालीगढ़ और गुवाहाटी के लिए है। तो इसमें जो है पास आउट जो है BCom या नहीं तो BA वाले विथ 40% इन उसका मार्क्स होना चाहिए मिनिमम BA या BCom में। BA जो भी BCom से भरेंगे वो लोग, उन लोगों के लिए भी 40% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, या BA वाले के लिए भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ पास आउट और स्टूडेंट होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो रहेगा, एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड, फॉर विच ऑनलाइन एप्लीकेंट फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन 27/10/2021 से लेकर के 7/11/2021 तक। तो NRL वेबसाइट पे जो है 27 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट हो गई है, ये 7/11/2021 तक आप लोगों को फॉर्म यहाँ से अपलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन, और इसके वेबसाइट पे हम दिखाएंगे आपको, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस बता देंगे और अप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब कोई भी हार्ड कॉपी नहीं देना है, सब ऑनलाइन ही होगा, जो भी होगा सो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना है। कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर एज एन अप्रेंटिसशिप इन फ्लोइंग गवर्नमेंट वेबसाइट बिफोर अप्लाइंग फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आपके पास जो है डिप्लोमा अगर किए हुए हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर के आप लोगों को अप्लाई करना होगा, और जो MHRDB पोर्टल है ना उस पर जाकर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। उसके लिए जो है हम एक सेपरेट वीडियो बना लिए हैं, और उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं, हर प्रोसेस के हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जैसा है, उसमें फुल प्रोसेस बताए हुए प्रिंट तक। तो आप लोग वहां तक आप देखिएगा उसको, और उस तरीके से आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर दिक्कत आता है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा, हम आपका ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं पोर्टल दी गई है अप्रेंटिसशिप के लिए और MHRD के लिए।
सिलेक्शन विल बी बेस्ड मेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो जो भी है सिलेक्शन जो है मेरिट बेस्ड पर बनेगी, ये तो फाइनल है, ठीक है। एज लिमिट मैक्सिमम जो है आपको 32 ईयर्स मांगी गई है ओबीसी के लिए, रिजर्वेशन सबके लिए दिया गया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ डिप्लोमा होल्डर MHRD गवर्नमेंट पोर्टल डज नॉट अलाउ साइनिंग ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट विद कैंडिडेट आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब क्या है कि इसका कहने का मतलब है कि MHRD पोर्टल पर जो है आपका जो है अभी से 3 साल पहले तक के ही इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके पहले वाले कोई भी कैंडिडेट नहीं कर सकते, ये क्लियर कह दिया है, ठीक है। मतलब क्या कि आपका अभी 2021 चल रहा है तो 22, 29 और 2018 वाले ही 2018 वाले ही भर सकते हैं इसमें फॉर्म, ठीक है। तो ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ डिटेल के बारे में दिया गया है। तो ये टोटल था आपका मंथली स्टाइपेंड जो है जनरल डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियर के लिए 17,000 पर मंथ मिलेगा, डिप्लोमा अदर डिप्लोमा वाले के लिए 12,200 पर मंथ मिलेगा, और कैंटीन अलाउंस जो है आपको 1415 रुपया मिलेगा पर मंथ। तो ये सारी चीज़ अच्छा फैसिलिटी दिया गया है, अच्छा सैलरी स्टाइपेंड भी दे रही है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो लोग जरूर इसमें अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि और सारे अप्रेंटिसशिप है, मैं तो खुद ही देख रहा हूँ कि हमारे जो DRDO में है उसमें 9,000 मार्क देते हैं, उसमें आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग छोड़ कर चले गए हैं। तो जहाँ भी आपको अच्छा स्टाइपेंड मिल रहा है वहाँ जाकर सेटल हो जाइए, ताकि आप लोगों को फ्यूचर ब्राइट हो सके वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से आप लोग सर्वाइव भी कर सकते हैं, और अगर एक बार ड्रॉप कर दिए तो आपको दूसरा अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं। तो ये अच्छा मेथोडोलॉजी है। तो चलिए हम लोग आप दूसरा देखते हैं आगे क्या है, कि ये था पूरा नोटिफिकेशन के बारे में। आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा, और इसको देखिए हम अप्लाई करने का प्रोसेस देखते हैं। इस पर nrl.co.in पर जाएंगे, क्लिक करते ही आपका ये लिंक खुलेगा, लिंक खुलते ही आपका इस पर अप्लाई करने का प्रोसेस बताते हैं, पूरे फुल प्रोसेस बताते हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए बोले हैं कि लास्ट तक बने रहिए, ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए किस तरह से ये वेबसाइट खुल गई है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को नीचे आएंगे, नीचे में आप लोगों को देखिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिकॉग्नाइज आवर बिजनेस एसोसिएट अबाउट और होम। तो इसके कैरियर सेक्शन में यहाँ देखिए करेंट इन टीवीस न्यूज रूम, देखते हैं एक मिनट खोजते हैं, क्वालिटी पॉलिसी रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट फाइनेंशियल कॉरपोरेट, ठीक है, इसमें भी नहीं है। तो अबाउट जनरल लोकस मिशन विजन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट स्टेटमेंट। उसके बाद इसमें कैरियर सेक्शन मारिए सर्च, तो कैरियर में जा करके उसके बाद आप लोग यहाँ पे सर्च करते ही आपका करियर सेक्शन खुलेगा। करियर सेक्शन खुलते ही आप लोग वहाँ पे जाके फॉर्म भरेंगे, ठीक है। आप लोग लास्ट तक बनाइएगा, हम तुम आपको कोशिश करते हैं पूरा फुल बनाने के लिए, बताने के लिए, ताकि आप लोगों को कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बनिएगा, ठीक है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉरपोरेट में जा करके आप लोगों को यहाँ सर्च करना पड़ेगा, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेयरमैन MD मोस्ट रेटिंग कॉर्पोरेट फिल्म कंडक्ट NRLO हैंडबुक फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। तो एक मिनट थोड़ा लेट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं करियर सेक्शन है क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ देखिए करियर सेक्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे ओपन लिंक, नीचे में था सॉरी लेट लग गई है उसके लिए देखने में। तो यहाँ पे आप लोगों को लिंक दिया हुआ है नीचे में, यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ करियर है ना, करियर सेक्शन पे जाके क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वहाँ से फिलअप करेंगे, ठीक है, जब तक यहाँ देख सकते हैं कि वेबसाइट खुल गई है, ठीक है। इसमें देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म जॉब्स अपॉर्चुनिटी करेंट ओपनिंग रिटर्न शेड्यूल इंटरव्यू रिजल्ट एंड रिटर्न टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग इसमें जाएंगे करेंट ओपनिंग में देखेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आप लोगों का खुलेगा वेबसाइट, ठीक है। जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी होगा यहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा डिटेल से। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म नॉर्मली आगे देखते हैं, इस पे नहीं दिया गया, ठीक है। करेंट ओपनिंग में देखते हैं, करेंट ओपनिंग में हो सकता है इसमें दिया हो, तो करेंट ओपनिंग में जा करके आप लोग को अप्लाई करना होगा वहाँ से। हाँ यहाँ देखिए 2021 के लिए करेंट ईयर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इन NRLA, तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए था,
करेंट अपनी रिटेन इंटरव्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है, करेंट ईयर में देखते हैं इस पर क्लिक करके कि आया है कि कुछ कि नहीं, क्योंकि इस पर दिया रहता है हमेशा, इसको देखते हैं। थोड़ा लेट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जरूर बना करके, हम कोशिश करते हैं आपको पूरा लिंक ही दे देता डायरेक्टली और आप लोग वहाँ से जा करके अप्लाई कर सके, ठीक। इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग को दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि पूरा फुल नोटिफिकेशन मिले, किसी तरह का दिक्कत ना हो उसके बारे में बता रहे हैं, तो आप लोग धैर्य बना कर रखिए। थोड़ा लेट लग रहा है नेट खोलने में, थोड़ा सर्वर डाउन होता है इसीलिए प्रॉब्लम आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को दिखाएंगे पूरे एडवर्टाइजमेंट। तो ये आप लोग का फॉर्म खुल रहा है, ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा पता लग सके कैसे फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या मांगा गया है इस पूरे फॉर्म में, वो चीज़ भी बता देंगे। तो यहाँ सर्टिफिकेट्स के बारे में दिया गया है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट्स, डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सब इसके बारे में दिया गया है। तो ये फॉर्मेट सर्टिफिकेट के लिए स्टैंडर्ड सब जो है उसके बारे में दी गई है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर अपडेट्स एंसर की फॉर ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे है। उसके बाद है ऑनलाइन एप्लीकेशन, हाँ यहाँ देखिए, सॉरी एप्लीकेशन, यहाँ देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दी गई है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रेनीज के लिए, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पेज खुल जाएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपका यहाँ मेल आईडी और यहाँ पे 10 डिजिट मोबाइल नंबर ओटीपी जाएगा, ओटीपी सेंड करके यहाँ पे प्लस माइनस करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आगे फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म की बात है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग जैसे कि यहाँ पे भर देते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद आप लोगों को पता लग जाएगा कि इस पर क्या फॉर्म में दिया गया है, ओटीपी आएगा, ओटीपी इस पर डालेंगे, उसमें जो भी ओटीपी है, उसके बाद यहाँ पे 33 कर देंगे, तो जो भी ओटीपी आप लोग का आएगा मोबाइल पे आप लोग वो देंगे। तो मेरा आ गया है ओटीपी, थोड़ा देख लेते हैं इस पर, उसके बाद हम लोग इसमें ओटीपी डालेंगे, ठीक है। ओटीपी डालने के बाद आप लोग इस पर रजिस्टर करेंगे, प्रोसीड, प्रोसीड करने के बाद आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ देखिए तीन प्रोसेस में आप लोगों का डालना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए सारा चीज़ इसमें दिया गया, अप्रेंटिसशिप के लिए इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर आपको डालना पड़ेगा किसका, तो आपको जो भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना जिस अप्रेंटिसशिप के लिए, उसके लिए आप लोगों को डालना पड़ेगा इनरोलमेंट नंबर। वो कैसे मिलेगा, तो वो जो फॉर्म जो दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर दिया देखिए दिया हुआ है, उस इनरोलमेंट नंबर को यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर नहीं भी डालेंगे तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ डाल दीजिएगा, चलेगा। पोस्ट कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करें, यहाँ से पोस्ट डालना होगा। नेम इस पर कोई जरूरी नहीं है, एनरोलमेंट नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं, सॉरी यहाँ पे दिया गया है अप्लीकेशन अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर, तो सिर्फ यहाँ पे आप लोग अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, उसके बाद यहाँ से आप लोगों को सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, जो भी नाम है डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिएगा, इंडियन नेशनलिटी, मेल, ये सारी चीज़, रिलीजन, ये सारी चीज़, मैरिट स्टेटस, कास्ट, गार्जियन नेम्स और रिलेशनशिप विद गार्जियन। उसके बाद क्या आप हैंडीकैप है, वेदर, फिजिकल चैलेंज, नो, अगर है तो डालिए यस, नहीं है तो नहीं डालिए। एड्रेस प्रूफ डालना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है, कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अगर सेम एड्रेस है तो यहाँ पे यस क्लिक करेंगे और नहीं है तो आप लोग नहीं क्लिकेंगे। यहाँ पे फ़ोन नंबर मांग गया तो कोई ज़रूरी नहीं, अगर है तो दीजिए, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सारा क्राइटेरिया को फुल भी कर रहे हैं तो यस, सर्टिफाई द कास्ट मेंशन इन द बाय द एप्लीकेंट्स इज करेक्ट, यस, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिटेल्स में है, तो आप लोग जब भी करेंगे तो आप लोगों को आगे दिखाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना होगा वो चीज़ अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा डिटेल था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसको आप लोग जरूर है कि सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्त को जरूर सजेस्ट कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन करेक्टली मिलता रहे हमेशा टाइमली। इसका लिंक जो है डिसीजन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके डायरेक्टली आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बस इतना ही था, फिर हम आप लोगों से मिल, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग में बनाए रखिएगा,
ताकि आप लोग को हमेशा अपडेट मिलता रहे किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।